हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम होंगे, इसमें डेफिनेटली है कि कुछ रट्टा मार क्वेश्चन होते हैं जो डेफिनेटली कभी न कभी रिपीट करते हैं। जैसे एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, या अदर जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे पीसीएस है, आरओ एआरओ है, इनमें सब क्वेश्चन मिक्सअप होते रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन की जो सीरीज है मैं आपको इसमें अब दूंगा, जिसमें केवल रटना है आपको, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली है किसी न किसी पेपर में रिपीट होते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं आपको। तो इस सीरीज में आप देखिए तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, टाइप करने में मुझे टाइम लग रहा था, तो मैंने कहीं ना कहीं से इसको निकाले हुए हैं जो कि आपके लिए है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो भारतीय राज्य व्यवस्था से है। इसके अलावा जो भी पार्ट इतिहास का है, ज्योग्राफी का है, या अदर जो पार्ट होंगे जीएस के, मैं उनसे भी ढेर सारे क्वेश्चन आपको इसमें दूंगा, जो कि आपको निश्चित है कि पेपर में आपके मार्क्स बढ़ाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो इसमें फ्रेंड्स, जो यहाँ है, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन जब अपना देश बट गया, पाकिस्तान एक दूसरा देश बना, तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें जो थीं वो 542 थीं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? याद रखिएगा आप लोग, एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो वह है हैदराबाद। तो हैदराबाद अपने देश से मिलने से मना कर रहा था, तो इस पे भी कानूनी कार्रवाई की गई, तब जाकर के ये मिला। फिर है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं वह है डॉक्टर सच्चिदानंद। बाद में जो अध्यक्ष अस्थायी बने हैं उनके भी इसमें नाम है, जो कि रहे राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वी एन राव, तो इसको आप याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई, यहाँ पे वही मैंने ऊपर बात की आपसे, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया वी एन राव द्वारा, जो कि इससे आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आगे हम देखते हैं, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई, जिसके अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी। और बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, ये बहुत बार पेपर पूछा गया है, तो 42वें संशोधन 1976। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन तक। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। फिर संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, अदर नहीं पता है तो आप इसको ढूंढने की कोशिश करिएगा कि जो हमारा संविधान है अधूरा 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, लेकिन पूर्णता 26 जनवरी 1950 को, तो क्यों? इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही कोई पूरा लागू नहीं किया गया, या 26 नवंबर 1949 को रुक जाते, 26 जनवरी 1950 को कर देते? इसका आंसर आप अगर देते हैं तो डेफिनेटली है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज इसमें आप ढूंढिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? वियर ने कहा था। और मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी है? तो 395 और 8 अनुसूचियां और 22 भाग। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 444 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। 8वीं अनुसूची भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22। वर्तमान में भारत कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ ने लिखा है, तो मैं यहाँ पे 29 है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। आगे देखते हैं हम लोग, संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पांचवा भाग है भारत का, मैग्ना कार्टा, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये। भाग 3 को कहा जाता है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्रमशः क्या है? निर्वाचन तथा आपात उपबंध।
तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा, अमेरिका। तो पूछा जाता है फ्रेंड्स इसके लिए, और कई बार ये क्वेश्चन आए भी हैं, यहाँ तक कि BCS में क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत देश का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई किसमें? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, 1953। सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तो ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा नाम इनका। असम राज्य का गठन कब हुआ? 1951 में। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 56वां संशोधन से, 1987। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 36वां संविधान संशोधन, 1975। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला? 69वां संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया कनाडा से। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर आगे, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ही क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे जो शासन रहा है ज्यादातर वो ब्रिटेन का ही था, इसलिए जो 1935 का जो अधिनियम बना था उसके थ्रू भी ये ब्रिटेन ने ही बनाया था, तो इससे हमने काफी कुछ लिया हुआ है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी ये यहाँ मैंने पॉइंट दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए आयरलैंड से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी से। तो इतने पॉइंट आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पेपर जरूर रिपीट हुए हैं। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ तक जो आपने देखा ये इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको पेपर में जरूर मिलेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या 61, 99, 52। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि राज्य सूची क्या है, संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची है क्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और नहीं पता है तो आप इसको अपने बुक में जरूर फाइंड करें, क्योंकि इनमें अंतर स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। फिर है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल, डाक, रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज्य विषय है राज्य सूची का। ग्यारहवीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। तो ग्यारहवीं सूची के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई कब? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, PCS में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान। तो ये स्थान आप जरूर से याद रखिएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश में, इसके बाद दूसरी बार अगर हुआ है तो वो आंध्र प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि जो है वो क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो वह है भाग 3, कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, जो कि अब बचे कितने हैं? 6, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अधिकार अनुच्छेद 300 का के कर दिया गया, और जिसको 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा किया गया। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? वह है संसद को। फिर है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियर्स कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? वह है 11। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया कब?
संविधान संशोधन से 1976। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह, याद रखिएगा, ये नाम को बहुत बार पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के का में। तो फ्रेंड्स, जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार इन अनुच्छेदों को जरूर से पढ़ लीजिएगा और अनुच्छेद 19 को ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके एक पार्ट में इतना है तो बाकी पार्ट में भी आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चौथा स्तंभ इंगित है किसको? प्रेस को किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। फिर है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया कब से? 86वां संशोधन 2002। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा पार्ट जो आपके लिए निश्चित है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप नोट बना लीजिए या तो रट डालिए, क्योंकि इससे जरूर से क्वेश्चन आने हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।